नमस्कार, मैं कार्तिक नायक हूं और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। खबरों की खबर में बात जमशेद जे ईरानी की। भारत के स्टीलमैन के नाम से मशहूर टाटा समूह की स्टील कंपनी टाटा स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर जमशेद जे ईरानी अब इस दुनिया में नहीं रहे। जमशेद ईरानी ने 85 वर्ष की उम्र में 31 अक्टूबर की देर रात अंतिम सांस ली। टाटा स्टील की ओर से यह जानकारी साझा की गई है। टाटा स्टील की ओर से ट्वीट कर यह पूरी जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि जमशेद जे ईरानी बीते 40 वर्षों से ज़्यादा समय से टाटा स्टील से जुड़े हुए थे। ईरानी 4 दशकों से अधिक समय से टाटा स्टील से जुड़े हुए थे। वह 43 साल की विरासत को पीछे छोड़ते हुए जून 2011 में टाटा स्टील के बोर्ड से सेवानिवृत्त हुए थे। विदेश में शिक्षा ग्रहण करने और पेशेवर जीवन की शुरुआत करने के बाद ईरानी 1968 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में शामिल होने के लिए भारत लौट आए। वह कंपनी से अनुसंधान और विकास के प्रभारी निर्देशक के सहायक के रूप में जुड़े। टाटा स्टील और टाटा सन्स के अलावा डॉक्टर ईरानी ने टाटा मोटर्स और टाटा टेली सर्विस सहित टाटा समूह की कई कंपनियों के निर्देशक के रूप में काम भी किया। ईरानी के परिवार में उनकी पत्नी डेजी ईरानी और उनके 3 बच्चे जुबिन, नीलोफर और तनाज हैं। जमशेद जे ईरानी का जन्म 2 जून 1936 को महाराष्ट्र के नागपुर में जीजी ईरानी और शोरशेद ईरानी के घर में हुआ था। स्कूली शिक्षा के बाद जमशेद ने 1956 में साइंस कॉलेज नागपुर से बीएससी और 1958 में नागपुर विश्वविद्यालय से भूविज्ञान में एमएससी पूरा किया। इसके पश्चात आगे की शिक्षा के लिए वह जेएन टाटा स्कॉलर्स के रूप में शेफील्ड यूनिवर्सिटी यूके चले गए। वहां उन्होंने 1960 में धातु विज्ञान में मास्टर डिग्री और 1963 में धातु विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। ईरानी ने टाटा स्टील, टाटा सन्स के साथ साथ टाटा मोटर्स और टाटा टेली सर्विस सहित कई टाटा समूह की कंपनियों में निर्देशक के रूप में काम किया। जमशेद जे ईरानी को 2007 में देश की तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। जे ईरानी 1983 से 1987 तक बिहार क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जे ईरानी के निधन पर भारत में अब शोक की लहर है। तो ये थी खबरों की खबर। देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर।